खबर आ रही है खाचरोद से, जहां नीलकंठेश्वर मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। पालकी निकालने को लेकर प्रशासन व भक्तों में हुई नोकझोंक। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के खाचरोद शहर में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर मंदिर परिसर में निकाली पालकी। बता दें कि पारंपरिक निकालने वाली पालकी को लेकर प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच घंटों बहस चली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि पालकी केवल मंदिर परिसर में ही निकाली जाएगी। वहीं कुछ लोगों ने प्रशासन से तीखी बहस की और अड़े रहे कि जब यहाँ पर किसी विधायक का जन्मदिन बड़े धूमधाम से पूरे नगर में मनाया जा सकता है, तो खाचरोद में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव की सवारी नहीं निकाली सकती। वहीं प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग से सवारी निकालने के निर्देश दिए थे, मगर वहां के स्थानीय लोगों ने वैकल्पिक मार्ग से सवारी को निकालने के लिए मना कर दिया और पारंपरिक मार्ग से सवारी निकालने पर अड़े रहे। कि यात्रा को लेकर, सवारी को लेकर रोकथाम प्रशासन भी सख्त मजबूत रहा है। क्या मामला था और क्या चाहते थे ये लोग, आपकी क्या मंशा थी? लोग जो हैं चाहते थे कि सवारी जो है अपने परंपरागत मार्ग से गुजरे, परंतु अभी कोविड को देखते हुए ये ज़रूरी था, गाइडलाइन का पालन कराना भी और वरिष्ठ के निर्देश भी थे, इसलिए जो है सवारी को जो है प्रतीकात्मक रूप से यही मंदिर परिसर में ही निकाला गया। हाँ सर, इस बीच में कुछ लोगों ने आपत्ति मिली कि चार दिन पहले कोई कार्यक्रम हुआ था जन्मदिन को लेकर, उसमें भीड़ थी, तो उसको भी एक मुद्दा बनाया था उन्होंने। यदि ऐसी कोई बात है तो आवेदन दे दें, थाने में जाँच कर लेंगे वो। अगली सवारी के लिए क्या रूप देखा? अभी तो यही है, देखा जाए कि सवारी को वहाँ तक लाना प्रशासन की हठधर्मिता कहे या के भक्तों की हठधर्मिता कहे, क्या कहा जाए इसे? दोनों ही ओर से हठधर्मिता हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन से हमने जब आग्रह किया था तो प्रशासन ने हमें परिक्रमा मार्ग पर सवारी निकालने की अनुमति दे दी थी, फिर बाद में हमारे भक्त मंडल में भी इसी बात हुई, या तो प्रशासन संपूर्ण पारंपरिक मार्ग से सवारी निकाले या फिर हम मंदिर में ही पूजा करेंगे। बाद ही उसके बाद हमने प्रशासन का अवगत करा कि मंदिर में पूजा करेंगे, सवारी नहीं निकालेंगे। यहाँ आने के बाद फिर कुछ लोगों ने आपसी में बातचीत करी कि नहीं सवारी निकालेंगे, इस तरह से प्रशासन और हमारे बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पाया। बाद में बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद हमें मंदिर प्रांगण में सवारी निकालने की